हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलो ब्लॉग तो शुरू हो गया है। पापा भी आ रखे और भाई नाइट ड्यूटी करके इधर ही आ गया था, तो अभी तो आज थोड़ा लेट ही शुरू किया है। लंच वगैरह तो कर लिया हमने, तो देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या करते हैं क्या नहीं। आप देखिए वो आगे आगे होता है क्या। वैसे तो चलो मेरे कपड़े तो सिल के आ गए थे, तो मुझे तो कोई ऐसे जरूरत नहीं है। जहाँ हम जाएंगे या टिकट लिया है तो कपड़े तो मैंने चलो एडवांस में पहले ही सिलवा लिए थे। हमने एक कहावत तो सुनी होगी, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और मेरी दौड़ टेलर की दुकान तक। अभी मैं खुद ही गई थी कपड़े लेने, अब बेटे के देने जाऊँगी। उसने एक दो कुर्ती दी है, उसके नाप के सिलवानी है। वो सूट उसके पास कम है क्योंकि ज़्यादातर कॉलेज जाते हैं जीन्स टी शर्ट पहन के जाते हैं। सूट है जो शादी वगैरह के हैं, और एक दो दो तीन कुर्ती है, तो देखते हैं। एक सूट सिलवाने के लिए बोल रही है वो, अब देखती हूँ मैं कौन सा सिलवाती हूँ। एक तो फिर एक है ना, तो वो मैं सिलवा लूँगी। चलो देखती हूँ मैं, अब आपको दिखाती हूँ सूट। तो इसकी कुर्तियाँ हैं ठीक है। ये पहले ये वाला बोल रही थी ये सूट, तो मैंने कहा तू इतना पहन भी नहीं पाएगी, थोड़ी कढ़ाई वढ़ाई है। मैं तो चलो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो पहन लेती हूँ। ये देखो, मैंने कहा ये मत बनवा दो, ये मैं बनवा लेती हूँ क्योंकि ऐसी जगह जा रहे हैं तो थोड़ा ये सूट अच्छा लगेगा। वो तो सिंपल वगैरह सूट थे ना जो मैंने बनवाए थे, मैंने कहा एक ऐसा बनवा लेती हूँ। ये मेरी बुआ ने दिया था, छोटी वाली बुआ ने मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था। इसकी चुन्नी भी बहुत अच्छी है, ये देखो चुन्नी। और ये मेरी एक बड़ी बुआ है, वो भी देखती है ब्लॉग, नाम ही ले लेती हूँ। ये मेरी चमन बुआ ने दिया था ये सूट, तो निष्ठा कह रही है मैं सिलवाऊंगी मम्मी इसमें, तो मैंने कहा ठीक है सही है सिलवा लेगी ना। तो कह रही थी इस ये ले जाना कुर्ती, मैंने कहा चल नाप देने, कह रही ये ले जाना इसके जैसे बनवा देना, मैंने कहा चलो ठीक है। और ये मेरी कृष्णा बुआ ने दिया था, वो छोटी बुआ बोल दी ना तो मैं नाम ले लेती कृष्णा बुआ, क्योंकि मेरे ब्लॉग देखती है तो मैं बोल देती थैंक यू बुआ अच्छा सूट दिया है, अब सिलवाने जा रही हूँ मैं। अब आया इसका टाइम, आपको यकीन नहीं होगा, नवंबर में। मैं ऐसे सिलवाती नहीं हूँ कपड़े, डेली डेली वाले तो सिलवा लेती हूँ क्योंकि ज़रूरत होती है कॉटन वगैरह की, तो ऐसे मैं कम ही सिलवाती हूँ सूट। तो ये तो वो है जो इधर उधर पहन लो ना तो अच्छा लगता है, डेली वाले तो हमारा काम ही क्या सूट ही पहनना और क्या है। साड़ी सूड़ी तो पहनते नहीं है इतनी, शादी वगैरह में पहनते हैं तो सूट तो होने चाहिए एक हाउस वाइफ के पास। चलो सिलवाने जाती हूँ, आज जाती हूँ टेलर की दुकान पर, वहीं मिलती हूँ मैं। तो झोला उठा के चले, कहाँ चले हो रामचंद्र, कौन सा गाना है वो मेरे को तो पता भी नहीं। मेरा नाप तो है उस भैया टेलर के पास, और मेरी बेटी ने कुर्ती दे रखी है नाप के लिए कि ऐसे ही बनवाना, मैं कह चलो ठीक है, अब उसको ले जाने की जरूरत नहीं है। पापा जी जा रहे हैं टिकट करवा लेना जाके। हाँ कल जाऊंगे दफ्तर में जाके, जब तो पास निकलवाएंगे तो बात करें। पास पास मेरे पापा का तो स्टाफ चलता है रेल मिनिस्ट्री में, है ना मेरे पापा। भाई भी जा रहा है, बच्चे कह रहे हैं हम कल जाएंगे, बच्चे बच्चों का यहाँ मन लगा हुआ है वो पढ़ने की पढ़ाई, वो पता है ना बुआ डांटती नहीं है, बच्चे क्या कहेंगे बुआ तो डांटती नहीं है, अब क्या करे दो चार दिन के लिए पढ़ाई के लिए डांटा तो फिर यही है ना। हाँ ठीक है, बच्चों को तो यही रहता है। इस पार्किंग में गौरव की गाड़ी तो आई जाती है। भाई जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं, भाई दोबारा नाइट ड्यूटी जाएंगे तो जाएगा तो फिर उसको कपड़े चाहिए ना, तो एक ही कपड़े पहन के बार बार ड्यूटी नहीं करेगा ना। और पापा साथ जा रहे हैं, पापा कह रहे काम भी है घर पे कुछ। यहाँ काम हो रहा है, चलो भैया गाड़ी चलाना भी एक कला है, कैसे काटना है कैसे मोड़ना है। अब जा रहे बाबा जी, मैं तो कपड़े लेने जा रही थी टेलर के, तो देखा पापा जी आ रहे हैं तो मैंने कहा चलो, छोटी सिस्टर के पास गए थे ना। बाय पापा जी, बाय। इस पे हवा कम है क्या?
चलो गए पापा जी, हम गेट लगा था, मैं जा रही हूँ टेलर के यहाँ, जा रही थी ना जब तो रह गया। फिर आगे बारी, पापा जी आ गए थे, दूसरी सिस्टर के पास गए थे ना छोटी वाली के, तो जाना था उनको, तो आ गए थे, तो मैंने बैग को साइड में रख दिया। चलो मैं आती हूँ, हाँ थोड़ी देर में कपड़े दे के आ जाती हूँ, टाइम से सिल जाएंगे। चलो जी गेट लगा दो। चलो भैया इतनी पास में है ना, अभी देखना जाम रहते ना दादा छत्ती वाले मार्ग पर। आ गए, मुड़ते ही है बस, गली से मुड़ते ही आ गए शॉप पर। देरी चलो जी भैया, मैं फिर आ गई। बोल दिया था ना दो सूट, एक तो बेटी का सिलना है और एक मेरा। देखा नाप, उसने कुर्ती दे रखी है, इस कुर्ती के नाप का ये। अब वो कह रही पैंट मैं नहीं सिलवाऊंगी, इस कलर के लूंगी तो अच्छा लगेगा, आप बता देना। हाँ आप बता देना, अगर पैंट भी लेनी है पजामी भी लेनी है, इस कलर की अच्छी लगेगी या इसी कलर की अच्छी लगेगी, किस कलर लगेगी? ये भी रेड भी अच्छी लगेगी, ये भी अच्छी लगेगी, है ना? क्योंकि आप सही सजेशन दे देते हो ना, आपको पता होती है, आप तो ये चीज़ जानते हो ना। पैंट का कपड़ा भी है और लाइनिंग भी है। हाँ वो मना कर रही है, मना कर रही है ना, करे मैं ये आप मेरा पीस मैचिंग नहीं लेना, इसका मैचिंग ज़्यादा अच्छा। हाँ फिर रेडीमेड ही ले आऊँगी, देखती हूँ। और वो देखो उसी टाइप की कुर्ती बनानी है, बिल्कुल इस टाइप की, उसको ठीक है ना ये? हाँ ठीक है, मैंने पहना के भी दिखा ली। हाँ स्लीवलेस ही बोल रही है वो। हाँ हाँ लंबी निकाल देना, कोई बात नहीं है, गला सेम ऐसी बोल रही है। हाँ नहीं ऐसे ये वाली पट्टी तो नहीं लगाएंगे। अच्छा क्यों? ये पट्टी फिर लाइन लाइन है ना इसके ऊपर, वो प्लेन है, उल्टा उसके ऊपर तो कढ़ाई है सामने, लगा देना पट्टी। देखो कोई प्लेन ही आएगी पट्टी इसकी, ये वाली। हाँ कोई नहीं, हाँ इसकी पट्टी आ जाएगी, कोई बात नहीं, ये पट्टी इतनी छोटी सी की आएगी। हाँ 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 कोई बात नहीं, आप ठीक से बता दोगे ना, तो क्योंकि उसने बोला सेम ऐसी फिटिंग भी ऐसी, गला वाला बैक का भी ऐसी सेम। हाँ और सामने ये, हाँ ये देख लेना, लगा देना, अच्छे लगेंगे, इसमें प्रिंट आएंगे, ये प्लेन है। चलो फिर मैं एक बार उससे पूछ लूँगी, है ना बटन का, ठीक है। और इसको बताओ आप, मैं बनवा रही हूँ तो पैंट तो बनवानी नहीं है, देखती हूँ। अच्छा। आप ये बताओ वैसे ही अच्छी लगेगी धोती वाली सलवार? नहीं धोती सलवार नहीं, सलवार बनानी है आपने? सोच रही हूँ क्योंकि चुन्नी अच्छी है ना इसकी, तो मैं सोची सलवार के साथ अच्छा लगता है ना। कपड़ा कितना है ये? ये देख लो, धोती में ज़्यादा चाहिए, धोती सलवार में ज़्यादा चाहिए कपड़ा। भैया भी लगे हुए काम पर। अभी मैंने पहन के भी नहीं देखे सूट, क्योंकि मुझे पता है ना आप सही होगा, ठीक है। हाँ जाने से पहले कर लूँगी ये, वैसे एक ना ट्रायल रूम भी बन जाता ना, जगह नहीं है वही ना, ठीक रहता ना जैसे हम तो पास में। हाँ सलवार पर सलवार ना करके दूसरी कुछ चीज़ बनवा लो, क्या क्या चीज़ धोती सलवार के लिए कुछ और बनवा लो ना। क्या बनेगा इसका? प्लाजो बनवा लो, प्लाजो सही लगेगा, प्लाजो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। फिर लंबाई तो फिर ज़्यादा रखना, पैंट दो पैंट बैठा ना। हाँ प्लाजो की चलो पैंट थी ना आपकी? हाँ दो पैंट थी और सलवार थी, प्लाजो का नाप दे दो। ठीक है ठीक है, अच्छा लगना चाहिए बस, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, बेफिक्र रहो। देखते हुए कैसे, वैसे ना सलवार भी अच्छी लगती है मेरे पास, सलवार का सूट ना, सलवार सूट अच्छे लगते हैं, जैसे किसी किसी पे नहीं अच्छे लगते ना, सलवार भी अच्छी लगेगी। हाँ सलवार लगना चाहो, बाजू का दे रखा ना, ये नहीं लगाना चुभेगा मेरे, घेरे पे घेरे पे बाजू पे भी शायद, ये हटा दूं बाजू से? हाँ चुभेगा ना ये देखो, ठीक है घेरे पे लगा रहे हैं, हटाऊं घेरे से भी? ये अगर लगाओगे तो थोड़ी सी कॉटन के किनारे लगा देना, नहीं फिर ऐसा करो इसको भी निकलवाओ, देखो ये भी ना जोर खा रही है। हाँ हाँ ठीक है ऐसा करो, गोल्डन निकाल दूंगा, ये निकाल ही देना, कल 19 को करा दे, 20 को पहुंचेंगे। तेरा पहला सूट है ना शायद, क्योंकि वो रेडीमेड पहनती है ज्यादा तो शादी वादी में। निष्ठा का पहला सूट है तो निष्ठा के सूट पे डिस्काउंट दूंगा। अरे वाह, सूट पे नहीं निष्ठा के सूट पे, मेरा भी पहला ही है, आपका पहला है, निष्ठा के सूट के ऊपर दूंगा डिस्काउंट, बेटी है वो हमारी। चलो कोई नहीं, ठीक है अब देखती हूँ मैं कुछ वो जरी वगैरह लगाऊंगी, कुछ कपड़ा लाऊंगी ना, देखती हूँ। आप पैंट का मुझे बता देना,
ठीक है ठीक है। अच्छा अस्तर वाले सूट के कितने लेते हो आप? अलग अलग रेट है भैया। चल रही हूँ, टाइम से सिल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया, अच्छे से सिलना। ठीक है, आप तो खैर सबके अच्छे से सिलोगे तभी तो दुकान चलेगी। चलो ठीक है, ओके बाय। डिनर कर लिया है, सोने से पहले थोड़ा दूध पिया जाए। चलो उनको भी देते लो, सोने से पहले ना रात को थोड़ा सा दूध पी के सोना चाहिए। मीठा डल गया मुझे लग रहा है। मीठा क्यों डालना मेरे? देखना कम है कि ज्यादा है। अगर ज्यादा हुआ ना एक है? एक सिप पी के देखो, अगर ज्यादा हुआ तो मैं चेंज करके आ जाऊंगी। ठीक है ना, कम है ना? ठीक है चलो आप भी पियो। मेरे पीछे पड़ गए कि दूध ले, मेरे को अच्छा लगता नहीं है, तो मैंने कहा चलो इनको दिखाने के लिए ले लेती हूँ आज। कहते हैं दूध नहीं पीती हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, विटामिन डी की कमी है। चलो पी लेते हैं, रात भी हो गई है। होने वाले 9:45 हो रहे हैं, हमारा डिनर आज जल्दी हो गया था। चलो पूरे दिन की दिनचर्या आपको दिखाई दी है, डिनर वगैरह सब हो गया, आज दूध भी पी लिया। अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। चलो मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।